Hello students, in the last video, we have studied the concept of exponential or complex Fourier series. We have also solved some numerical to understand those concepts. Now, in this video, I will take only numericals for Fourier series. Okay. Now, the first numerical I will take is signal XT is given to you. Okay. And it is given that it is a Fourier series representation of signal XT. It is given as 10 cos 12t plus pi by 6 minus 3 sine 20t minus pi by 3. Okay. And in this question, it is asked that determine the amplitude of fourth harmonic. Okay, we need to determine the fourth harmonic amplitude. Okay, last video mein hum logon ne harmonics study kiye hue hain ki harmonic ka meaning kya hota hai. N omega naught wale term aapke harmonics kehlate hain. Okay, to aapko amplitude calculate karna hai yahan par fourth harmonic ka. Okay, to sabse pehle aapko is numerical mein ye understand karna hoga कि आपको एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ओके? तो हमने जैसा कि फोरियर सीरीज में स्टडी किया हुआ है कि फोरियर सीरीज इज अ नॉन साइनोसॉइडल टू साइनोसॉइडल कन्वर्जन, ओके? बट दोनों ही केस में सिग्नल आपका पीरियोडिक होता है, ओके? तो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक टू साइनोसॉइडल पीरियोडिक कन्वर्जन, मतलब ये जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है ये आपका पीरियोडिक होना चाहिए. क्लियर है अच्छे से? अगर ये पीरियोडिक हो जाता है तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा. उसके बाद आप देख लीजिए फोर्थ हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है. तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, यहां पर जो ओमेगा 1 है वो है आपका 12, ओमेगा 2 है आपका 20, ठीक है ना? जो भी आपका टी के साथ होता है वो क्या कहलाता है? आपका ओमेगा. नाउ यहां पर आप देखिए, अगर मैं ओवरऑल ओमेगा निकालूं तो HCF ऑफ 12,20 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 1,1, तो LCM तो आपका 1 ही हो जाएगा. तो HCF 12,20 क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 12 और 20 में से 4 आ जाएगा, ठीक है? 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या-क्या? एक जगह बच जाएगा आपका 3 और एक जगह बच जाएगा आपका 5. क्लियर है अच्छे से? तो जो आपका ओवरऑल ओमेगा आया है वो आया है आपका 4. दैट मींस सिग्नल तो आपका पीरियोडिक है. तो यहां पर पूछा है आपसे कि फोर्थ हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड क्या होगा. दैट मींस यहां पर आप समझिए, फोरियर सीरीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? cos n ओमेगा नॉट t, sin n ओमेगा नॉट t. दैट मींस ये जो t के साथ है वो n ओमेगा नॉट है. तो ओमेगा नॉट आपको पता है, या ओमेगा आप चाहे तो ओमेगा नॉट इसे लिख दीजिए. ओमेगा नॉट जो है वो 4 है, तो n ओमेगा नॉट 12 है, तो n क्या होगा? 3 होगा. दैट मींस थर्ड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है 10. सेम यहां पर देखिए, n ओमेगा नॉट अगर 20 है तो n क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट 4 है. तो फिफ्थ हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है -3. तो यहां पर सिर्फ दो ही टर्म प्रेजेंट है, एक है थर्ड हार्मोनिक वाला और एक है फिफ्थ हार्मोनिक वाला. दैट मींस आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक वाला टर्म यहां प्रेजेंट नहीं है. दैट मींस उसका एम्पलीट्यूड क्या है आपका? 0 है. ओके, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क में. बहुत आसान है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कि प्रोसीजर क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं फिर से आपको एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं. ओके, 100 प्लस 3 साइन पाई बाय 7 टी प्लस पाई बाय 4 प्लस 6 कॉस 6 पाई बाय 5 टी प्लस पाई बाय 3 माइनस 9 साइन 5 पाई बाय 6 टी प्लस पाई बाय 6. ओके, और आपसे पूछा है क्वेश्चन में
कि क्या ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वैलिड है, क्या ये फोरियर सीरीज वैलिड है, और अगर वैलिड है तो कौन कौन से हार्मोनिक्स आपके प्रेजेंट हैं, ये आपको बताना है यहां पर। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो देखिए, फोरियर सीरीज वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये हम चेक कर सकते हैं कि आपका गिवन जो साइन और कॉस के टर्म है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस है, वो पीरियोडिक है कि नहीं। अगर पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज आपकी वैलिड होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ओमेगा वन है पाई बाई सेवन, ओमेगा टू है आपका सिक्स पाई बाई फाइव, और ओमेगा थ्री है आपका फाइव पाई बाय सिक्स। ओके, क्लियर है अच्छे से? अब आप देखिए, ओमेगा नॉट एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर पाई सिक्स पाई फाइव पाई डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ सेवन फाइव सिक्स एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एच सी एफ है पाई सिक्स पाई और फाइव पाई में से हाइएस्ट कॉमन क्या है, पाई है। अब सेवन फाइव सिक्स का एलसीएम क्या होगा, ये टास्क आपका ही होगा, एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। तो सेवन फाइव सिक्स का एलसीएम होता है आपका 210। ओके, तो यहां पर हमारा ओमेगा नॉट आ गया पाई अपॉन 210। सिग्नल तो आपका पीरियोडिक प्रूफ हो गया यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि जब आपने एचसीएफ लिया पाई तो अंदर आपके तीनों इंटीजर ही बच रहे हैं 1 6 5, मतलब सिग्नल क्या है आपका पीरियोडिक। हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब आप देखिए, फोरियर सीरीज आपकी वैलिड प्रूफ हो गई। अब हमें बताना है कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। देखिए, आपको पता है जो भी टी के साथ है वो एन ओमेगा नॉट है, क्लियर है? तो आपने ओमेगा नॉट निकाल लिया, तो ओमेगा नॉट पता है, एन ओमेगा नॉट पता है, तो एन निकाला जा सकता है। जैसे देखिए, फर्स्ट वाला पाई बाई सेवन जो है वो एन ओमेगा नॉट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाई बाय सेवन एन ओमेगा नॉट है, मतलब एन ओमेगा नॉट कितना है पाई अपॉन 210। तो आपकी एन की वैल्यू जो है पाई पाई कैंसल, ओके, और ये कितना आ जाएगा आपका 30, तो एन आ गया आपका 30। तो आपका 30th हार्मोनिक यहां पर प्रेजेंट है, क्लियर है अच्छे से? नाउ सेकेंड देखिए आप, 6 पाई बाय 5, ये भी आपका एन ओमेगा नॉट है, तो आप लिख दीजिए 6 पाई बाय 5 इज इक्वल टू एन ओमेगा नॉट। ओके, तो यहां पर अगर मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट करूं अब, तो देखिए पाई और पाई कैंसल, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। आपका 5210 से कैंसल होगा कुछ, कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा ये आपका, क्लियर है अच्छे से? तो अब आप देखिए, जो आपकी एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 42 इंटू 6 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये आपका 240 प्लस 12 252। ओके, तो नेक्स्ट आ गया हमारा एन 252, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5 पाई बाय 6 ये जो है आपका टी के साथ, ये भी क्या है एन ओमेगा नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 210। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए, पाई और पाई कैंसल, 210 आपका 6 से कैंसल होगा, यस होगा, अगर मैं पहले 3 से करूं तो कितना हो जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 70, फिर 2 से भी कैंसिल होगा तो कितना आएगा 35, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 इंटू 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 175। ओके, तो ये हमारे हार्मोनिक्स नंबर हैं जो जो प्रेजेंट हैं आपके। तो आपका ये फोरियर सीरीज वैलिड है, और 30th हार्मोनिक, 252nd हार्मोनिक एंड 175th हार्मोनिक, ये हार्मोनिक्स आपके प्रेजेंट है, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहां पर आपको फिर से फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन गिवन है, साइन 4t प्लस कॉस 6t। ओके, ये आपको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, और आपसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज पूछा है कि इसके कौन कौन से कॉफिशियंट आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, तो चूंकि ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का है, इसलिए हम जो फोरियर सीरीज गिवन है साइन और कॉस के टर्म में, उसे हम एक्सपोनेंशियल टर्म में पहले लिख लेते हैं। ओके, तो अब आप देखिए,
xt कितना हो जाएगा आपका sin 4t, मतलब e की पावर j 4t माइनस e की पावर माइनस j 4t डिवाइडेड बाय 2j प्लस e की पावर j 6t प्लस e की पावर माइनस j 6t डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब आपको पता है ये xt जो है वो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको xt की जगह फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखना होगा और बोथ साइड कंपेयर करना होगा, ओके। तो यहां पर अब आप देखिए जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होती है उसका फॉर्मूला होता है समेशन cn e की पावर jn ओमेगा नॉट t, ओके। ये इक्वल है आपका e की पावर j4t माइनस e की पावर माइनस j4t डिवाइडेड बाय 2j प्लस e की पावर j6t प्लस e की पावर माइनस j6t डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहां पर अब आप देखिए जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो e के साथ जो जो कॉफिशियंट आएगा वो होगा cn और e की पावर में क्या आना चाहिए jn ओमेगा नॉट t। तो अब अगर आप देखें ये फर्स्ट टर्म को तो e की पावर में j है बिल्कुल है t है, मतलब 4 क्या होगा n ओमेगा नॉट। यहां पर देखिए e की पावर j है t है मतलब -4, यहां पर माइनस साइन लगा है ना, तो -4 होगा आपका n ओमेगा नॉट। इस तरीके से यहां पर n ओमेगा नॉट होगा 6 और इस तरीके से n ओमेगा नॉट होगा यहां पर -6। तो अगर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लें तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए आप जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ओमेगा 1 है 4 ओमेगा 2 है 6, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा HCF ऑफ 4, 6 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से। तो हमारा ओमेगा नॉट आ गया 2, इसका मतलब n ओमेगा नॉट आपका 4 था फर्स्ट टर्म में, मतलब n क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4। तो हमें पता है e के साथ जो कॉफिशियंट होता है वो cn होता है, मतलब c2 आ जाएगा 1/2j, ओके क्लियर है अच्छे से। सेकंड टर्म में आप देखिए e की पावर jn ओमेगा नॉट t और ये क्या है e की पावर माइनस j4t, मतलब n कितना हो जाएगा -2 क्योंकि ओमेगा नॉट आपका 2 है, तो c -2 कितना आंसर हो जाएगा -1/2j, क्लियर है अच्छे से ये भी। नाउ नेक्स्ट टर्म को देखिए e की पावर j6t मतलब n ओमेगा नॉट क्या है 6 है, ओमेगा नॉट क्या है 2, मतलब n क्या होगा 3, तो c3 कितना है आपका 1/2। लास्ट अब क्लियर होगा आई थिंक सी ऑफ -3 ये भी क्या है आपका 1/2 है, ओके। तो इस तरीके से आप कॉफिशियंट कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको फोरियर सीरीज गिवन हो, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपके c2 c3 c-2 c-3 ये कॉफिशियंट्स आपके प्रेजेंट हैं, बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स आपके प्रेजेंट हैं इस क्वेश्चन में, ओके क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है यहाँ पर जो हमें करना है वो है, देखिए आपको यहाँ पर एक आइडियल लो पास फिल्टर गिवन है, ठीक है, आइडियल LPF विथ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ओके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ आपको एक आइडियल लो पास फिल्टर गिवन है, H ओमेगा इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 100 एंड H ओमेगा इक्वल टू 0 फॉर मॉड ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 100, ओके ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोलता है कि इफ इनपुट XT इज अप्लाइड टू द फिल्टर, ओके तो यहां पर XT जो है वो अप्लाई किया जा रहा है इस फिल्टर में, ओके जो XT है उसमें जो आपका टाइम पीरियड गिवन है XT इज विथ टाइम पीरियड T इज इक्वल टू π/6, ओके एंड उसके लिए जो फोरियर सीरीज कॉफिशियंट गिवन है CN, फोरियर सीरीज जो कॉफिशियंट गिवन है वो है आपका CN, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इस फिल्टर में XT को लगाया जाता है, ठीक है, XT जब इस फिल्टर से पास होता है तो आपको मिलता है यहां पर YT आउटपुट, ठीक है, फिल्टर का आउटपुट आपको मिलता है YT। तो आपको बोलता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ N
yt का जो cn है वो guaranteed to be 0 होगा. क्लियर है अच्छे से? तो क्या बोल रहा है, for what values of n, okay, for what values of n Fourier series coefficient of yt will be 0. ये हमारा क्वेश्चन है. तो देखा जाए तो ये बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पर, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है. आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है. एक आइडियल लो पास फिल्टर है लाइक अ सिस्टम, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें गिवन है. कहता है कि xt जो है वो इस सिस्टम का इनपुट है जिसका पीरियड है t इक्वल टू पाई बाय 6 एंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है cn. अब कहता है कि ये जो xt है ये आपका इस सिस्टम पे इस फिल्टर पे लगाया जाता है इनपुट की तरह, तो आउटपुट आपको मिलता है yt. तो आपसे पूछता है कि yt का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो n की किन वैल्यूज के लिए गारंटीड टू बी 0 होगा. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं तो यहां पर हमको ये पॉइंट समझना होगा कि ये एच ओमेगा जो आपको गिवन है, ठीक है ना, एच ओमेगा गिवन है 1 फॉर मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन 100, बाकी ग्रेटर देन 100 के लिए तो 0 गिवन है, तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर. तो मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन 100 के लिए एच ओमेगा 1 है. इसका क्या मीनिंग है, ये मॉड वाले कांसेप्ट ना हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए. हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मॉड है तो मॉड लेने से पहले इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव. दैट मींस मान लीजिए आपने -10 का मॉड लिया तो वो भी +10 होगा, +10 का मॉड लोगे तो भी क्या होगा, +10 होगा. तो मॉड लेने के पहले पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है. तो सपोज करिए, देखिए अगर नेगेटिव होता तो माइनस ओमेगा होता तो माइनस ओमेगा लेस देन 100, अगर पॉजिटिव होता तो ओमेगा लेस देन 100. ये दोनों सिचुएशन हो सकती है क्योंकि जब आपने मॉड लिया हुआ है तो इट कैन बी माइनस इट कैन बी प्लस, बाकी सब चीजें सेम है आपकी. तो जब माइनस ओमेगा लेस देन 100 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाता है, तो ओमेगा ग्रेटर देन माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है ना. अगर माइनस ओमेगा लेस देन 100 है तो अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें आप तो ओमेगा में प्लस हो जाएगा, 100 में माइनस लग जाएगा, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है. तो एक कंक्लूजन आ गया ओमेगा इज ग्रेटर देन माइनस 100 और एक कंक्लूजन आ गया ओमेगा इज लेस देन 100, मतलब ओमेगा की रेंज क्या है, माइनस 100 टू प्लस 100. तो एक तरह से आपको समझना होगा जो आपको फिल्टर दिया हुआ है वो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, माइनस 100 से लेकर प्लस 100 तक एम्पलीट्यूड कितना गिवन है आपको, 1. आप देख सकते हैं एच ओमेगा आपको 1 दिया हुआ है, ओमेगा की रेंज आपने कैलकुलेट कर ली फ्रॉम माइनस 100 टू प्लस 100. क्लियर है अच्छे से यहां तक? अब आप देखिए, कहता है जब इस फिल्टर में इनपुट एक्सटी लगाया जाता है, ठीक है, और उस XT का आपको साथ ही साथ टाइम पीरियड और फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी दे दिया है और कहता है आउटपुट आपको YT मिलता है, ठीक है. तो आप देखिए, टाइम पीरियड जो दिया गया है हमें XT का, तो यहां पर ये दिया गया है T इक्वल टू पाई बाय 6, ओके. और आपको ये पॉइंट यहां पर समझना होगा कि यहां पर प्लस 100 फ्रीक्वेंसी के बाहर की फ्रीक्वेंसी को ये जो हमारा लो पास फिल्टर है वो पास नहीं करेगा, मैक्सिमम 100 तक की फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है, ठीक है. तो यहां पर अब आप समझिए कि आपका अगर टाइम पीरियड पाई बाय 6 है तो यहां पर आपका ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई बाय 6, मतलब 6 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, पाई पाई कैंसल, ओमेगा नॉट आ जाएगा आपका 12. तो यहां पर समझिए जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 ओमेगा के टर्म्स में, और जो आपका फिल्टर है वो आपका 100 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है, ठीक है. मतलब n की कितनी वैल्यू तक आप जा सकते हैं, आपका टर्म क्या होता है, n ओमेगा नॉट होता है ना,
तो ओमेगा नॉट में एन का मैक्सिमम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो 100 से नीचे हो. बेसिकली एन ओमेगा नॉट 12 है, 100 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा. मतलब एन ओमेगा नॉट आपका लेस देन 100 होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका कि जो 12n है वो लेस देन 100 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है आपका कि जो n है आपका, n है वो 100 बाई 12 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. ठीक है, तो मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करें यहां पर, तो कितनी फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है या n ओमेगा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 100, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अब 8, क्योंकि 12 इंटू 8 होता है 96. ठीक है, अगर आप जैसी 12 इंटू 9 करेंगे, n शुड बी इंटीजर ना, ध्यान रखिएगा हार्मोनिक्स जो हमने पढ़ा है, n शुड बी इंटीजर. तो जैसे ही आप n की वैल्यू 9 करते हैं, n ओमेगा नॉट हो जाता है 12 इंटू 9 108, 100 से ज्यादा हो जाएगा, वो पास नहीं होगा, लेकिन 8 तक आराम से पास हो जाएगा. बट आप ध्यान से देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ yt इज गारंटीड टू बी 0. मतलब 8 तक तो पास हो रहा है, 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 9, 9 पर गारंटीड टू बी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से? तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर का रिस्पॉन्स निकाल लेने के बाद जो कि -100 से +100 था, क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था. ठीक है ना, एक छोटा सा कंसेप्ट सिर्फ लगा इस क्वेश्चन में आपके लिए. क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यहां पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उसमें आपको फिर से फोरियर सीरीज गिवन है, समेशन n इक्वल टू 90 -90 टू n इक्वल टू +90. ठीक है, cos n पाई e की पावर j n ओमेगा नॉट t. ओके, यहां पर आपसे पूछता है कि ये xt जो है एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, फोरियर सीरीज होती क्या है, फोरियर सीरीज होती है जिसपे हम किसी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. तो कहता है xt आपका एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको ये बताना है कि xt जिसे आपने पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट किया है, मतलब वो xt जो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक था, वो xt क्या है आपका. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन में xt गिवन है वो है आपका साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल. तो आपसे पूछता है कि वो xt जिसे आपने फोरियर सीरीज, जिसके लिए आपने फोरियर सीरीज बनाई है, दैट मींस नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल xt, वो क्या है आपका. चार ऑप्शन दिए हैं आपको. फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड ऑप्शन दिया है रियल एंड इवन, थर्ड ऑप्शन दिया है रियल एंड ऑड, और फोर्थ ऑप्शन दिया है रियल एंड नाइदर इवन नॉर ऑड. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको एक फोरियर सीरीज गिवन है xt, और आपसे पूछता है जिस xt के लिए ये फोरियर सीरीज xt बनाई गई है, वो सिग्नल xt आपका क्या होगा इन चारों में से. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में आ जाऊं, तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये जो फोरियर सीरीज गिवन है, यह आपकी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज है. समेशन n इक्वल टू -इनफिनाइट से +इनफिनाइट cn e की पावर jn ओमेगा नॉट t. मतलब यहां पर आपको cn जो है वो गिवन है cos n पाई. ओके, अब आपको इस cn के लिए देखना है कि आपका जो गिवन xt होगा क्वेश्चन वाला नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक, वो क्या होगा. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी किया है ये सारी की सारी चीजें. अगर आपने पहले लास्ट वीडियो फॉलो नहीं की है, तो पहले आप उसे फॉलो कर लीजिए, तभी आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा. तो आप देखिए, हमने बोला था कि जब आपका xt जो होता है वो रियल एंड इवन होता है, तो जो cn है वो भी आपका रियल एंड इवन होता है. तो यहां पर आप देखिए, जो cn है वो रियल तो है, j का कोई टर्म नहीं है,
और जो cn है वो आपका even भी है, क्यों? cos theta, cos minus theta दोनों क्या होते हैं? same. तो आपका इसका मतलब क्या है कि xt भी real and even होना चाहिए, क्योंकि जब xt real and even होता है तभी आपका cn भी क्या होता है? real and even होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्लियर है? अच्छे से क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं सिवाय लिमिट के, ठीक है? इस क्वेश्चन में अब आप बताइए क्या होगा ऑप्शन. चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सेम है, पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपकी सेम है. तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन में कि सी एन तो आपका फिर से कॉस एन पाई है, तो यहां पर तो आंसर तो सेम हो जाएगा रियल एंड इवन. क्या लिमिट चेंज करने से सी एन पे कोई फर्क पड़ रहा है? सी एन तो आपका कॉस एन पाई का कॉस एन पाई है ना, और कॉस एन पाई हमें पता है कि इवन है और रियल भी है, क्योंकि जे का कोई टर्म तो यहां प्रेजेंट नहीं है. तो आंसर तो एक्स टी का भी रियल एंड इवन होना चाहिए, बट नहीं, इससे ज्यादा एनालिसिस है इस क्वेश्चन में. ध्यान से समझिए. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को पहले समझिए. हमने इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, कि जो एक्स टी है आपका वो रियल होता है तब जो सी एन होता है वो इवन कॉन्जुगेट होता है. ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के स्टार्ट में ही बता दिया था, जब मैं डेरिवेशन करा रहा था आपको फोरियर सीरीज का, कि जब भी आपका एक्स टी रियल होगा सी एन आपका इवन कॉन्जुगेट होगा. मतलब सी एन इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट, इक्वल होंगे आपके. ओके, तो यहां पर अगर एक्स टी आपका कॉम्प्लेक्स है तब सी एन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा इवन कॉन्जुगेट की. तो सबसे पहले आपको सी एन को चेक करना है कि क्या सी एन इवन कॉन्जुगेट है कि नहीं. अगर सी एन इवन कॉन्जुगेट नहीं है तो यहां पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का कोई मीनिंग ही नहीं है. आप सीधा ऑप्शन ए आंसर लिख देंगे, क्योंकि अगर आपका सी एन इवन कॉन्जुगेट नहीं है दैट मीन्स आपका एक्स टी जो है वो कॉम्प्लेक्स है. ये ध्यान रखिएगा, अगर सी एन इवन कॉन्जुगेट हो जाता तब तो इस सी एन के लिए कॉस एन पाई के लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट था कि एक्स टी आपका रियल एंड इवन होगा. तो अब आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर अगर सी वन चेक करूं तो ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई कितना होगा? माइनस वन, ठीक है. अगर मैं सी माइनस वन चेक करूं तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे एन की वैल्यू माइनस वन पर कितना हो जाएगा? कॉस माइनस पाई भी कॉस पाई होता है, माइनस वन. सी माइनस वन का कॉन्जुगेट चेक करूं तो माइनस वन का कॉन्जुगेट तो माइनस वन होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? सेम है, एन की हर एक वैल्यू के लिए सेम होना चाहिए ना ऐसे. तो सी वन इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस वन का कॉन्जुगेट. अगर वैसे ही सी टू करता तो कितना हो जाता? कॉस टू पाई. कॉस टू पाई क्या होता है? वन. सी ऑफ माइनस टू करता तो अगेन कॉस टू पाई वन. चूंकि जे का कोई टर्म नहीं है इसलिए सी ऑफ माइनस एन और सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट दोनों सेम होंगे, क्योंकि जे होता तभी जे की जगह माइनस जे होता. तो यस, यहां पर तो ये प्रॉपर्टी 100% सेटिस्फाई हो रही है. दैट मींस आप बोल सकते हैं कि सी एन आपका इवन कॉन्जुगेट है. दैट मींस आप बोल सकते हैं कि एक्स टी आपका रियल है, और अगर एक्स टी रियल है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रियल एंड इवन. अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है आप देखिए. आप बोलेंगे फिर से तो आंसर सेम ही आएगा, सी वन चेक करूं तो माइनस वन आएगा. सी माइनस वन कॉस माइनस पाई भी माइनस वन होता है. नहीं, ध्यान से समझिए. अब यहां पर देखिए, जो आपका e की पावर जे एन ओमेगा नॉट t वाला टर्म है, ठीक है ना, वो तो आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा. ये जो कॉस एन पाई है सी एन, उसके हिसाब से आपका समेशन का लिमिट डिसाइड होता है. आप देखिए यहां पर समेशन का लिमिट जो है वो 0 से 90 है. इसका मतलब 0 के पहले, n इक्वल टू 0 के पहले सी एन आपका 0 रहा होगा, तभी तो ये 0 से 90 लिमिट दी हुई है आपको. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना. इसका मतलब सी ऑफ माइनस वन 0, सी ऑफ माइनस वन का कॉन्जुगेट भी क्या होगा? 0 होगा.
अब आगे चेक करने की कोई नीड ही नहीं है आपको, क्यों? अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी प्रूफ नहीं हुआ मतलब वो प्रूफ नहीं होगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हमें ये पॉइंट अच्छे से समझना होगा कि लिमिट के साथ भी आंसर चेंज होंगे आपके, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिमिट आपकी 0 से 90 थी, इसलिए प्रूफ नहीं हो पाया। यहां पर आपकी लिमिट माइनस 90 से प्लस 90 है तो प्रूफ हो गया। अब आप बोलेंगे माइनस 90 से प्लस 90 तो प्रूफ हो जाएगा, उसके आगे क्या? मान लीजिए मैं सी 100 निकालता हूं, तो सी 100 जीरो है, सी माइनस 100 भी जीरो है, तो सेम ही हो जाएगा फिर से। बात समझ में आ रही है कि जब आपकी अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम होना माइनस प्लस में, तो हमेशा प्रूफ होगा, क्योंकि उसके बाहर जाने पर तो सभी वैल्यू जीरो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, पॉजिटिव साइड कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव साइड जीरो मिल रहा है, इसलिए प्रूव नहीं हो पा रहा था। क्लियर है अच्छे से? अब आपको तो ये आप लिखेंगे यहां पर कि जो एक्सटी है आपका वो कॉम्प्लेक्स रहा होगा, मतलब आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए इसी सीरीज में, मान लीजिए एक्सटी आपको गिवन है समेशन एन इक्वल टू माइनस 90 से प्लस 90, ओके, जे साइन एन पाई ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, फिर से चारों ऑप्शन सेम है, पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, आपको बताना है कि जो आपका क्वेश्चन वाला एक्सटी है वो क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो यहां पर अब आप देखिए जो आपका सी एन है वो क्या है, जे साइन एन पाई है। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए जो आपका सी एन है वो है प्योरली इमेजिनरी, और अगर आप इमेजिनरी पार्ट को देखें जो साइन एन पाई है, साइन थीटा क्या होता है, ऑड, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इमेजिनरी पार्ट इज ऑड इन नेचर। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब आपका एक्सटी जो है वो आपका रियल एंड ऑड होता है, तो जो सी एन है वो इमेजिनरी होता है एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑड इन नेचर होता है, मतलब एक्सटी आपका रियल एंड ऑड होगा अगर रियल है तो। एक और पॉसिबिलिटी है कि एक्सटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, कब? जब सी एन जो हो इवन कॉन्जुगेट ना हो। एक बार चेक कर लीजिए आप, सी वन निकालू अगर तो साइन पाई जीरो, ठीक है ना, सी माइनस वन निकालू तो साइन माइनस पाई जीरो, सी माइनस वन का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, जीरो। वैसे आप सी टू कर लीजिए, सी थ्री कर लीजिए, क्योंकि यहां पर पाई है ना और एन इंटीजर है, तो साइन वाला टर्म हमेशा जीरो हो जाएगा, और माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर भी वैल्यूज जीरो होंगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो सी एन है वो ऑलवेज क्या होगा, इवन कॉन्जुगेट, और सी एन अगर इवन कॉन्जुगेट है तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया अब कि जो आपका आंसर होगा वो होगा एक्सटी का रियल एंड ऑड, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो गया। ओके, तो ये आपके कुछ पैटर्न्स थे क्वेश्चन के, ठीक है ना, इस सीरीज में जो आपसे बनना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दे दे के समझाया है कि एक्सटी क्या होगा तो सी एन क्या होगा। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, उस पर हम लोग देखेंगे कंप्लीट फोरियर सीरीज का कैलकुलेशन। ओके, तो आपको यहां पर एक सिग्नल एक्सटी गिवन है, ओके, और इस सिग्नल एक्सटी के लिए आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। बेसिकली अगर आप फोरियर सीरीज कॉफिशियंट भी कैलकुलेट कर लेंगे तब भी मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि फोरियर सीरीज कॉफिशियंट को ही आपको पुट करना होता है फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में। ओके, तो यह आपका एक सॉ टूथ वेव फॉर्म दी हुई है यहां पर। ओके, तो आपको यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो गिवन है 2, और यहां पर आपको गिवन है टाइम पीरियड 2। ओके, तो यह आपका फोरियर सीरीज के लिए एक्सटी आपको गिवन है, इस एक्सटी के लिए आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। जैसा मैंने कहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 2 और टाइम पीरियड भी है आपका 2। ओके, तो यहां पर मैं सी एन का कैलकुलेशन करने के लिए जाऊंगा। सी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई टी, तो 1 बाई टू,
अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू ले सकते हैं, मतलब माइनस वन से प्लस वन, लेकिन इसमें आपको सिग्नल का कोई शेप मिल नहीं पाएगा। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम जीरो से टी ले लें, जीरो से टी में आपको प्रॉपर एक ट्रायंगल मिल रहा है। ओके, मैंने आपको सिखाया हुआ है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू, और एक ऑप्शन है जीरो से टी। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेना है, अकॉर्डिंग टू द फिगर लेना है। ओके, देन एक्स टी, देन आपका फॉर्मूला होता है ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओमेगा नॉट क्या है आपका, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप यहां पर देखिए, जो आपका एक्स टी है वो 0 से 2 के बीच में क्या होगा। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा, जब भी आप इंटीग्रेशन वगैरह में लिमिट देखते हैं ना 0 से 2, इसका मतलब आपको 2 पर होने वाले चेंज को नहीं लेना, साथ ही आपको 0 में होने वाले चेंज को भी नहीं लेना। आपको 0 के थोड़ा बाद से स्टार्ट करना है और 2 के थोड़ा पहले से एंड कर देना है, मतलब आपको सिर्फ इस लाइन से मतलब रखना है। ओके, 2 पर जो चेंज हो रहा है वो नहीं लेना, 0 पर जो चेंज हो रहा है वो नहीं लेना। ओके, तो 0 प्लस से 2 माइनस, यहां तक आपको लेना है। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमें पता है यहां पर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, एक पॉइंट है आपका क्या 2,0। ओके, और इस पॉइंट के हिसाब से जो ऊपर वाली लाइन हो जाएगा, जो मेन पॉइंट है हमारा, ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2,2, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। ओके, तो आप देखिए जो लाइन है अब आपकी, इसके दो पॉइंट्स हमें मिल गए 2,2 एंड 0,0। तो स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1 x2 - x1। मैं इसे मान लेता हूं x1 y1, इसे मान लेता हूं x2 y2। तो स्लोप क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, और लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये लीनियर है आप देख सकते हैं। तो क्या होता है इक्वेशन, y = mx, ठीक है ना। तो y = mx, y क्या है आपका xt, ओके, x क्या है आपका t, और m क्या है आपका 1, तो 1 × t, तो xt की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, t आ जाएगी। बस इस xt को यहां पर पुट कर देते हैं और फिर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, cn आपका 1/2 0 से 2 t e की पावर jn ओमेगा नॉट t dt। ओके, क्लियर है अच्छे से यहां तक। तो यहां पर आपको ये पॉइंट अब दिमाग में रखना होगा कि जो आपका cn है वो एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, ठीक है ना, uv का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का फॉर्मूला है। तो थोड़ा लेंदी होगा बट हमें सॉल्व करना है इसे। ओके, तो आप देखिए यहां पर cn क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 जो है आपका वो तो आउटसाइड हो जाएगा, 1 upon time period। यहां पर अब आप देखिए पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको पता है t एज इट इज और e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट t का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय माइनस जे एन ओमेगा नॉट। ओके, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 2 माइनस 1/2, फिर से बाहर ही रहेगा। माइनस क्या होता है आपका इंटीग्रेशन के अंदर, फर्स्ट टर्म माने टी का आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 × e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का होगा इंटीग्रेशन। तो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय माइनस जे एन ओमेगा नॉट, लिमिट फिर से क्या होगी 0 से 2। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप देखिए cn 1/2, ठीक है, अब आप यहां पर लिमिट पुट कर दीजिए इसकी। तो अगर आप देखें यहां पर जब आप 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाय माइनस जे एन ओमेगा नॉट, ठीक है। जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी जीरो पर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए आप -1/2, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए यहां पर आपका माइनस और माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का आपको एक और बार इंटीग्रेशन करना है,
तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन आपका क्या रहेगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ओके। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर माइनस माइनस आपने प्लस कर दिया था, तो इसलिए यहां पर तो सिर्फ जे एन ओमेगा नॉट होगा, ओके। और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस जे एन ओमेगा नॉट, ठीक है ना। आप दोबारा इंटीग्रेट किए हैं तो एक और माइनस जे एन ओमेगा नॉट का टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिमिट क्या रख देंगे, जीरो से टू, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। यहां पर आप देखिए ये टू और ये टू आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सी एन क्या आ जाएगा, आप देखिए यहां पर हम फर्स्ट टर्म को पहले कॉपी कर लेते हैं, e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टू डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जे एन ओमेगा नॉट, ठीक है, इसे आप एज इट इज लिख दीजिए अभी फिलहाल। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए हमें पता है कि जे स्क्वायर क्या होता है, जे स्क्वायर होता है माइनस वन, और माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस वन, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जे स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस साइन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर आपका माइनस वन बाई टू है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए माइनस वन बाई टू एन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, और आपका इनसाइड क्या बच जाएगा जब हम लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू टू, ठीक है, तो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू टू, ठीक है, और माइनस e की पावर जीरो, e की पावर जीरो क्या होता है आपका वन, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा वन, क्लियर है अच्छे से। नाउ आगे अब आप देखिए सी एन को, ये हो जाएगा, हमें पता है कि जो ओमेगा नॉट है वो कितना है, 2 पाई अपॉन टी, और आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 है, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। तो ओमेगा नॉट आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 2, मतलब ओमेगा नॉट हो जाएगा आपका पाई, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हम लोग ओमेगा नॉट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं पाई, ठीक है ना। तो आप देखिए e की पावर माइनस जे एन पाई, तो 2 पाई हो जाएगा यहां पर, ये क्लियर, डिवाइडेड बाय माइनस जे एन पाई, ठीक है ना। ओमेगा नॉट की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में पाई पुट कर दी, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। माइनस 1 अपॉन 2 एन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यहां पर फिर से ओमेगा नॉट की वैल्यू आप पाई पुट कर दीजिए, तो 2 पाई यहां पर फिर से हो जाएगा, और आप चाहें तो यहां पर भी ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहां पर समझिए की कोशिश करिएगा कि e की पावर जो जे थीटा होता है या माइनस जे थीटा होता है उसका एनालिसिस आप देखिए, यहां पर e की पावर माइनस जे एन टू पाई, e की पावर माइनस जे थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस जे साइन थीटा, ओके। देखिए यहां पर समझिए n आपका इंटीजर है, तो ये जो साइन वाला टर्म है ये तो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई सब क्या होता है आपका जीरो। और ये जो कॉस वाला टर्म है, देखिए आप यहां पर n की वैल्यू चाहे आप जीरो पुट करें, चाहे वन पुट करें, चाहे टू पुट करें, कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप n की, टू से मल्टीप्लाइड है ना, हमेशा इवन रहेगा, और कॉस टू पाई, कॉस फोर पाई, कॉस सिक्स पाई सब क्या होता है आपका वन होता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, क्लियर अच्छे से ये एनालिसिस। तो आपको ये एनालिसिस क्लियर है, तो आप देखिए यहां पर ये जो टर्म है ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस जे एन पाई, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये बन जाएगा यहां पर हमारा वन बाई टू एन पाई स्क्वायर, ओके, और ये भी आपका कितना हो जाएगा यहां पर, ये हमारा हो जाएगा वन, ओके, माइनस वन, क्योंकि e की पावर माइनस जे एन टू पाई क्या हो गया हमारा वन हो गया, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो। तो सी एन हमारा जो है यहां पर ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन अपॉन माइनस जे को लिख सकते हैं जे, तो जे अपॉन पाई एन, ये हमारा बच जाएगा यहां पर सी एन, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमने सी एन यहां पर अचीव कर लिया,
j upon pi n. Okay? तो cn जैसे ही अचीव हो गया, हम तुरंत ही cn की वैल्यू फोरियर सीरीज में पुट कर सकते हैं और हमारी फोरियर सीरीज भी कैलकुलेट हो जाएगी. ओके तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको अब क्लियर होगा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमने कंप्लीट फोरियर सीरीज कैलकुलेट की है. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था वो ये वाला कि 0 पर जो चेंज हो रहा है और 2 पर चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको उसे कंसीडर नहीं करना है. ओके और उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमने यहां पर स्टडी किया वो ये किया कि e की पावर माइनस j n 2 पाई क्या होता है, 1 होता है. उसके अलावा आपका सिर्फ कैलकुलेशन था. ओके क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा कंप्लीट फोरियर सीरीज कैलकुलेशन की. ओके तो यहां पर आपको xt गिवन है सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड है 1, ठीक है, रेंज है आपकी -2 से +2. ओके एंड आपको इस तरीके से ये पीरियोडिक सिग्नल गिवन है, बार बार रिपीट हो रहा है आपका. ओके और यहां पर आपका जो पॉइंट आ रहा है अगला वो आ रहा है आपका 2 के बाद, हम यहां पर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 8. ओके तो ये हो जाएगा आपका -8. ठीक है, बेसिकली मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए और कुछ भी नहीं है. ओके और यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं 4, यहां पर पॉइंट ले लेते हैं -4. क्लियर और ये बार बार आपके अब रिपीट हो रहे हैं. तो अब आप देखिए आपको इस क्वेश्चन के लिए फिर से फोरियर सीरीज बनानी है, बेसिकली फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट cn कैलकुलेट करना है. ओके तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने लास्ट वीडियो में भी रेक्टेंगल पल्स के लिए या स्क्वायर वेव के लिए किया हुआ है कैलकुलेशन, पर वहां पर हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज किया था. यहां पर मैं नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो देखिए cn अगर आप देखें टाइम पीरियड कितना है, जो चीज 0 पर हो रही है सेम चीज किस पे हो रही है, 8 पर आप देख सकते हैं. तो टाइम पीरियड है आपका 8, तो 1/8. नाउ -t/2 से +t/2 लें तो क्या होगा, -4 से +4. यस आप ले सकते हैं, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट -4 से -2 और 2 से 4 लेने से कोई फायदा है नहीं, तो हम -2 से +2 ले लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि -4 से -2 0 है और 2 से 4 भी क्या है आपका 0 है. क्लियर, तो -2 से +2 तक xt कितना है आपका 1 है और साथ में आपका कौन सा टर्म आता है, e की पावर -jn(0t dt). ओके तो ये बहुत आसान इंटीग्रेशन होगा हमारे लिए. तो कितना हो जाएगा cn 1/8 -2 से +2 e की पावर -jn(0t dt). ओके तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका e की पावर -jn(0t) डिवाइडेड बाय -jn(0), लिमिट क्या है -2 से +2. ओके क्लियर है अच्छे से. अब आप देखिए ये हो जाएगा 1/8. ओके और ये लिमिट अगर मैं पुट कर दूं तो पहले मैं यहां पर आपके लिए लोअर लिमिट पुट कर देता हूं क्योंकि साइन माइनस है यहां पर, तो कितना हो जाएगा e की पावर +jn(0)(2) माइनस e की पावर -jn(0)(2) डिवाइडेड बाय jn(0). ओके क्लियर है अच्छे से. हम यहां पर साइड में ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 2π/टाइम पीरियड, मतलब 2π/8. तो कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट, π/4. ओके क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर आपका जो cn है कितना हो जाएगा 1/8. ओके यहां पर आप देखिए जैसे ही आप ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे π/4, ठीक है, या तो आप पहले ये कर लीजिए कि पहले आप इसे साइन में चेंज कर लीजिए उसके बाद पुट कर दीजिए, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए. ये क्या है e की पावर j थीटा माइनस e की पावर -j थीटा डिवाइडेड बाय क्या चाहिए 2j, तो 8 में से 2 यहां ले आइए तो 4 बच जाएगा, ठीक है ना, तो बाहर क्या बच जाएगा 4n(0), क्योंकि n(0) का साइन में कोई काम नहीं है और 4 का भी कोई काम नहीं है, तो बाहर आपका रह जाएगा, आप इसे 8 को चेंज कर दीजिए 4 में सबसे पहले,
ठीक है ना, क्योंकि आप इसे आप डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं, 4n ओमेगा नॉट, क्लियर है यहां तक अच्छे से। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, अब साइन में लिखना है, तो साइन 2n ओमेगा नॉट, ओके, तो साइन ये हो जाएगा हमारा 2n ओमेगा नॉट, ठीक है। अब हमें पता है ओमेगा नॉट की वैल्यू है पाई बाय 4, तो 4n पाई बाय 4 साइन 2n पाई बाय 4, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, तो 1 अपॉन n पाई साइन, क्या बच जाएगा आपका n पाई अपॉन 2, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर फिनिश होता है, ठीक है। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, जो आपको खुद से ट्राई करना है, वहां पर भी आपको कंप्लीटली फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है cn, और cn कैलकुलेशन के बाद आपको जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है an bn भी आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहां पर ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cn का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है xt, ठीक है, 0 पाई 2 पाई ओके माइनस पाई माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, एम्पलीट्यूड है आपका a, ठीक है। तो इस फिगर के लिए आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, पूरा प्रोसेस आपको सेम रखना है जैसा मैंने आपको लास्ट दो क्वेश्चन में समझाया है। कोशिश करिए बिना किसी प्रॉपर्टी का यूज करके वाया कैलकुलेशन आप इसे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद इसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए आंसर को, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या प्रीवियस जो हमने आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, किसी में भी अगर कोई भी डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ सिमिट्री ऑन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ओके। तो यहां पर ये वीडियो मैं फिनिश कर रहा हूं अब, ओके, थैंक यू।